क्या वाकई में ऋतिक रोशन अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक खास खबर जो कि जुड़े हुई है बॉलीवुड के रियल हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में कई दिनों से लॉकडाउन जारी है और इसी वजह से आज बॉलीवुड का पूरा काम थम सा गया और हमारे बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं वो अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो भैया उन्हीं में से एक है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि ऋतिक रोशन, जो कि इन दिनों अपनी पूर्व पत्नी यानी कि सुजैन खान और अपने दोनों बच्चों के साथ में अपना महत्वपूर्ण वक्त जो है बिता रहे हैं। तो दोस्तों इसी क्षण में सुजैन खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसको देखने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आ गई जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते थे क्या वाकई में ऋतिक रोशन अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे हैं। तो दोस्तों सुजैन खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया था जिसमें ऋतिक रोशन अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर की बालकोनी पर खड़े हैं, यानी कि उनके दोनों बेटे रिहान और रिदान उनके साथ बालकोनी में आपको नजर आएंगे। और अगर आप गौर से इस फोटो को देखोगे तो ऋतिक के राइट हैंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे ऋतिक ने अपने हाथ में एक सुलगती हुई सिगरेट पकड़ रखी है। और इसी फोटो को देखते हुए ऋतिक की एक फैन ने उनसे ये सवाल पूछ लिया, क्या ऋतिक के हाथों में सिगरेट है या मैं गलत देख रही हूं? मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसा ना हो, इससे मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। जैसे ये ट्वीट लोगों के सामने आया और इस ट्वीट पर जब ऋतिक की निगाह गई तो उन्होंने भी देर ना करते हुए इस पर वो जवाब दिया जिसको देखने के बाद आपके दिल में भी ऋतिक के लिए प्यार बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नॉन स्मोकर हूं और अगर मैं असल जिंदगी में क्रिस होता तो सबसे पहले मैं इस दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म कर देता और उसके बाद इस प्लेनेट से आखिरी सिगरेट को भी समाप्त कर देता। यानी कि इस जवाब से ऋतिक रोशन ने उस शंका को दूर कर दी जिससे यह कहा जा रहा था कि भैया शायद ऋतिक ने अपने हाथों में सिगरेट पकड़ रखा है। तो आपको कैसा लगा ऋतिक का यह जवाब, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।